हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर गुप्ता और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेक वेबसाइट मेकिंग के फिफ्थ ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 एसईओ टिप्स। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग पोजीशन पे लाने पे मदद करता है। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की इस ट्यूटोरियल को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मैं एसईओ टिप्स बताने से पहले अपनी खुद की वेबसाइट की रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि मैं जो एसईओ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो 100% वर्किंग है। तो सबसे पहले मैं आपको google.com पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कैंटी में google.com पे हूं। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट का नाम टाइप करके दिखाता हूं कि वो कितनी नंबर पे शो करती है। ठीक है, learnabhi.com ये मेरा वेबसाइट का नाम है और देखिए गूगल की टॉप रैंकिंग पे शो कर रहा है मेरा वेबसाइट का नाम। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर रखी है। तो एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रेनबो 6 सेज मल्टीप्लेयर विदाउट इंटरनेट, ये एक पोस्ट है मेरी वेबसाइट पे, ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने कुछ दिन पहले ही डाला था। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरा पोस्ट यहाँ पे कितना नंबर पे शो कर रहा है। ठीक है, ये है गूगल का फास्ट पेज और देखते हैं यहाँ पे हमारे वेबसाइट कहाँ पे शो कर रहा है। चलिए फास्ट पेज पे नहीं है मेरा वेबसाइट। ओके, सेकंड पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ, 100% होना ही चाहिए। ये देखिए सेकंड पेज की टॉप में ही आप देख सकते हैं मेरा जो वेबसाइट है www.learnabhi.com, मेरा जो पोस्ट है वो वेबसाइट की सेकेंड पेज पे शो कर रही है। हालांकि इस देखिए मैंने पोस्ट किया था कितना, May 21st को। ठीक है, और अभी एक महीना भी नहीं हुआ और मेरा जो पोस्ट है आपकी गूगल की सेकंड पेज पे शो कर रहा है। तो मेरा जो वेबसाइट है ये गूगल की सर्च रिजल्ट पे शो कर रहा है। ये कैसे शो कर रहा है, इसका कारण सिर्फ एक ही है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर एसईओ कर रखा है। तो आप सभी से मैं आज यही कुछ एसईओ टिप्स शेयर करने जा रहा हूं, जो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, जो आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग पोजीशन पे लाने में मदद करेगा। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की इस टॉप 10 एसईओ टिप्स के चैप्टर को हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी है, तो आप इसे अंत तक देखते रहिए ताकि आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपकी भी वेबसाइट गूगल की टॉप रैंकिंग पोजीशन पे आ जाए। सो गाइस, एसईओ टिप्स नंबर 1 है आपकी वेबसाइट की थीम्स। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं हमेशा लाइट वेटेड थीम चॉइस करें, जो आपकी वेबसाइट को फास्ट लोड होने में मदद करे, क्योंकि गूगल हमेशा रिकमेंड करता है फास्ट लोडिंग वेबसाइट। इसीलिए आपकी वेबसाइट का थीम्स जो है वो लाइट वेट होना बहुत ही जरूरी है। टिप्स नंबर 2 इज योर वेबसाइट प्लगइन। दोस्तों जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं एक चीज का हमेशा ध्यान दें कि आप अपनी वेबसाइट पे कम से कम ही प्लगइन यूज करें, क्योंकि ज्यादा प्लगइन यूज करने का नतीजा आपकी वेबसाइट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, जो गूगल रैंकिंग के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। सो गाइस, मेक श्योर यू ऑलवेज यूज एज लेस प्लगइन्स एज यू कैन। एसईओ टिप्स नंबर 3 इज 300 वर्ड्स इन अ पोस्ट। जब भी आप कोई पोस्ट लिखते हैं एक चीज का हमेशा ध्यान दें कि आपका पोस्ट पे मिनिमम 300 वर्ड्स होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गूगल हमेशा उसी पोस्ट को रेकमेंड करता है जिसपे मिनिमम 300 वर्ड्स हो। इससे आपकी वेबसाइट को फायदा क्या होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है वो आपका जो पोस्ट है वो ज्यादा समय तक पढ़ता है, जिससे आपकी वेबसाइट का वॉच टाइम बढ़ जाता है और आपकी वेबसाइट को बेनिफिट हो जाता है। लेकिन दोस्तों 300 वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के उस पर 300 वर्ड्स भर दे। एक चीज का हमेशा ध्यान दे कि आपका जो विजिटर है वो आपकी पोस्ट के साथ फुल इंटरेक्शन के साथ पढ़े। ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट पे वो विजिट करे, आपकी पोस्ट को बस आधा ही पढ़े और छोड़ दे। सो मेक श्योर आपका जो पोस्ट है वो 300 वर्ड हो, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो। टिप्स नंबर 4 इज योर वेबसाइट्स इमेज। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई चीज पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पे ध्यान रखिए कि आप कम से कम इमेजेस यूज किया करें, क्योंकि ज्यादा इमेजेस होने का नतीजा यही होता है कि आपका वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो फिर से कम हो जाता है, जो कि गूगल रैंकिंग के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। सो मेक श्योर यू यूज एज लेस इमेज एज यू कैन। दोस्तों टिप्स नंबर 5 है आपकी वेबसाइट की इमेजेस एंड इमेज टैगिंग। जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई चीज पोस्ट करते हैं ध्यान दें कि उस पर एटलीस्ट एक इमेज हो
और उस इमेज पे टैग करना आप बिल्कुल ना भूले। दोस्तों इमेज टैगिंग का बेनिफिट ये होता है कि जब भी कोई बंदा गूगल पे कोई इमेज सर्च करता है, अगर वो पर्टिकुलर इमेज आपकी वेबसाइट की पोस्ट से रिलेटेड हो तो आपकी जो पोस्ट पे जो इमेज है वहां पे शो करता है। तो फिर चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे और एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ इमेजेस के रिगार्डिंग, ठीक है। मान लीजिए कोई बंदा कुछ चीज की इमेज सर्च कर रहा है, ठीक है। एज पर एग्जांपल मैं पे टाइप करता हूँ पोस्ट का नाम, जस्ट एज पर मैं टाइप कर देता हूँ रेनबो सिक्स एज मल्टीप्लेक्सर इंटरनेट। जस्ट इमेजिन कि कोई बंदा किसी भी चीज के रिगार्डिंग एक इमेज सर्च कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आप इमेज पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इमेज जो शो कर रहा है वो किसका शो कर रहा है, ये मेरा इमेज शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है learnabhi.com, ठीक है। तो जैसे ही कोई बंदा इस इमेज पे क्लिक करेगा, यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है विजिट पेज, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ विजिट पेज पे, ये सेंड कर देगा आपको मेरे वेबसाइट पे जिसका नाम है learnabhi.com। सो लाइक दिस आपका वेबसाइट जो है वो टॉप रैंकिंग पे आना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप अपनी पोस्ट लिखे उस पे एटलीस्ट एक इमेज और उसकी प्रॉपर इमेज टैगिंग करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों एसईओ टिप्स नंबर 6 इज योर आउटबाउंड लिंक। जब भी आप कोई चीज अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं, ध्यान दें कि उस पोस्ट पे एटलीस्ट कोई आउटबाउंड लिंक अवेलेबल हो, जिससे आपका जो वेबसाइट है किसी और वेबसाइट या फिर पोस्ट को रिलेट करता हो। दोस्तों आउटबाउंड लिंक यानी ये नहीं कि आप किसी भी लिंक को उठाकर अपनी वेबसाइट पे डाल दें। आउटबाउंड लिंक आपको बस उन्हीं वेबसाइट या फिर उन्हीं पोस्ट को यहाँ पे डालना है जो पहले से ही गूगल की टॉप रैंकिंग पोजीशन पे हो। इससे गूगल को लगता है कि आपकी वेबसाइट पे बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ साथ आपका जो वेबसाइट है वो किसी और वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है जिससे बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। तो इस कारण आपका वेबसाइट जो है वो गूगल की फोकस में आ जाता है और ये एसईओ के लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स है। तो ध्यान दें आपकी वेबसाइट पे एटलीस्ट एक या फिर दो आउटबाउंड लिंक होना बहुत ही जरूरी है। टिप्स नंबर 7 इज हेडर इन ए पोस्ट। दोस्तों जब भी आप कोई चीज अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं, मेक श्योर कि उस पे एटलीस्ट एक हेडर हो। दोस्तों हेडर का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी टेक्स्ट पे हेडर डाल दें। हेडर आपको उसी टेक्स्ट पे डालना है जो एक फोकस कीवर्ड हो। एज फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्ट लिखता हूँ व्हाट इज डोमेन नेम, तो मैं हेडर डालूंगा डोमेन नेम। तो इसी तरह आप कोई भी चीज पोस्ट करें तो मेक श्योर उस पे एटलीस्ट एक हेडर हो और वो हेडर आपका एक फोकस कीवर्ड होना बहुत ही जरूरी है। टिप्स नंबर 7 इज मेटा डिस्क्रिप्शन। दोस्तों जब भी आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, आपने देखा होगा कि टॉप में आपका पोस्ट का टाइटल रहेगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो जो डिस्क्रिप्शन आप देखते हैं उसे ही हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर जब भी आप कोई मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उस पे बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो। बहुत सी विजिटर ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली टाइटल को नहीं देखते, उस पे जो लिखा होता है डिस्क्रिप्शन उसको देखते हैं और उस पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो ध्यान दें आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही यूजफुल हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, जिसे देखते ही कोई भी विजिटर उस पे क्लिक करे और आपकी वेबसाइट पे विजिट करे। टिप नंबर 9 इज योर वेबसाइट साइट मैप। दोस्तों आपकी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट करके उसे वेबमास्टर टूल पे डालना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों साइट मैप यानी आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग। जिस तरह जब भी आप कोई बुक खरीदते हैं स्टार्टिंग में देखा हुआ इंडेक्स लिखा होता है जहां आपकी सारी चैप्टर की डिटेल्स दिया होता है कि चैप्टर 1 में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चैप्टर 2 पे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक उसी तरह साइट मैप क्या करता है आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करता है जहां आपकी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन सीरियली 1 by 1 लिखा होता है। तो दोस्तों आपका वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट करके उसे वेबमास्टर टूल पर डालना भी बहुत ही जरूरी है, जिससे गूगल को पता चल जाए कि एग्जैक्टली आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चेंजेस हो रही है और इसी के साथ साथ क्या क्या मटेरियल्स आपकी वेबसाइट पे अपलोडेड है। टिप नंबर 10 इज लेस एड्स। दोस्तों वो कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो आप लालच बिल्कुल ना करें। अपनी वेबसाइट पे जितना कम एड्स हो सके उतना ही एड डालें। गूगल हमेशा रिकमेंड करता है मैक्सिमम 3 एड्स। अगर आप 3 से ज्यादा एड्स डालें तो हो सकता है आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस एड देना ही बंद कर दे, और ये भी हो सकता है कि परमानेंटली आपका गूगल एडसेंस अकाउंट जो है वो बैंड हो जाए। तो मेक श्योर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल के सिर्फ 3 एड ही डालें, नॉट मोर देन 10। अगर आप चाहें तो अलग वेबसाइट्स की एड्स डाल सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो फ्लिपकार्ट की एफिलिएट लिंक डाल सकते हैं या फिर Amazon की एफिलिएट एड डाल सकते हैं,
लेकिन ज्यादा एड डालने से क्या होता है, आपका वेबसाइट का जो स्पीड है वो भी लो हो जाता है, और जो गूगल एसईओ की नजर से वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहो तो एक दो एफिलिएट लिंक डाल सकते हैं और 3 गूगल की एड्स डाल सकते हैं। सो गाइस, होप यू हैव एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस जानने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेक को ठीक यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा। मैं अभिषेक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।